अभिषेक बच्चन के लीड रोल वाली फिल्म द बिग बुल ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी का अंदाज़ा लोग पहले से ही लगा चुके हैं। इसी कहानी पर वेब सीरीज भी आ चुकी है जिसे काफ़ी पसंद किया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा बताने के लिए कुछ रह नहीं जाता। वहीं केवल बात बची है अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की, तो ये फिल्म देखने लायक है। बात करें कहानी की तो एक छोटा सा शेयर मार्केट का स्टॉक ब्रोकर हेमंत शाह यानी अभिषेक बच्चन, जो देश के वित्तीय सिस्टम और बैंकिंग के लूपहोल्स के जरिए एक स्कैम करता है। हालांकि हेमंत का सपना एक बुरे अंत पर जाकर ख़त्म होता है। फिल्म की कहानी हर्षद मेहता और उसके घोटाले की है। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में हर कोई अमीर बनना चाहता है। इस अमीर बनने के रास्ते में गलत रास्ता बहुत लोग पकड़ लेते हैं, हालांकि कुछ इसमें पकड़े जाते हैं जबकि कुछ बच जाते हैं। हर्षद मेहता की कहानी भी कुछ ऐसी है। इसी पर स्कैम 1992 नाम से एक वेब सीरीज हंसल मेहता बना चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई है। कहानी सबको पता है और डायरेक्टर कुकी गुलाटी के लिए ये कठिन काम था कि नए तरीके से लोगों के सामने इसे पेश किया जाए, और वो भी केवल 2.5 घंटे की फिल्म। हालांकि गुलाटी इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाले आदमी हेमंत शाह की कहानी आपको आकर्षित ज़रूर करेगी। यह बात समझने से परे है कि एक समय पर इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला करने वाला व्यक्ति को महिमा मंडित क्यों किया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात, उसे आम मिडिल क्लास का मसीहा बताया जा रहा है। अगर आप हर्षद मेहता की कहानी से परिचित नहीं है तो उसे जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस कहानी में अभिषेक बच्चन अपने किरदार में जान डालते नज़र आते हैं। उनकी प्रेमिका प्रिया के किरदार में निकिता दत्ता भी बहुत अच्छी लग रही हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में चीज़ों को जो मैनिपुलेट करके बदला जा सकता है वो काफ़ी दिलचस्प तरीके से दिखाया गया है। वहीं फिल्म में कहानी को अच्छे तरीके से दिखाया गया है और एक पुरानी मुंबई मतलब तब का बॉम्बे दिखाने में डायरेक्टर काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को काफ़ी तारीफ मिली है, और आपको पता ही है कि अभिषेक बच्चन इस तरीके के किरदार काफ़ी गहराई से करते हैं, लेकिन उनके किरदार को और गहराई से भी किया जा सकता था। अभिषेक बच्चन ने अपने कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय किया है, उनकी मेहनत दिखती भी है। हालांकि कुछ सीन बेहद लाउड फिल्माए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बनावटी भी लगते हैं। अभिषेक निकिता की प्रेम कहानी भी फिल्म की स्टोरी में कई बार ब्रेक लगाती सी नज़र आती है। वहीं जर्नलिस्ट मीरा राव के किरदार में इलियाना डिक्रूज जमती है, लेकिन उनके किरदार को भी कोई खास गहराई देने की ज़रूरत दिखाई दी थी तो वो भी फिल्म के अंदर नहीं दी गई। फिल्म में सौरभ शुक्ला और राम कपूर भी हैं, मगर कम स्क्रीन स्पेस के चलते उनके किरदार जाया हो जाते हैं और बिल्कुल भी सामने निखर कर नहीं आते। कुल मिलाकर यह एक ड्रामेटिक फिल्म है जिसमें आपको बताया गया है कि एक आम आदमी की काफ़ी बड़ी घोटालेबाजी के साथ किस तरीके से गठबंदी होती है। अब आपको बताते हैं कि हर्षल मेहता के इस घोटाले की कहानी को क्यों देखें। हर्षल मेहता के घोटाले की कहानी तो सबको पता है, मगर फिर भी अभिषेक बच्चन के परफॉर्मेंस के लिए इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि फिल्म पैसा वसूल है, लेकिन फिर भी आप स्कैम 1992 की यादों को ताज़ा करना चाहते हैं तो इसे एक बार देख सकते हैं। बहरहाल मूवी से ज़्यादा सीरीज़ को हम रिकमेंड करेंगे। बात करें क्रिटिक्स रेटिंग की तो इसे 2.5 दी गई है, और साथ ही साथ हमारी रेटिंग की बात करें तो इसे 3 रेटिंग हम देते हैं। वहीं द बिग बुल काफ़ी अच्छी कहानी है। फिल्म के अंदर अभिषेक बच्चन, निकिता दत्ता, इलियाना डिक्रूज, सौरभ शुक्ला और राम कपूर मुख्य किरदार में। दोस्तों आपने फिल्म देखी है तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देखो देखो को।